Himachal Pradesh. Now, with the ongoing protest about the illegal construction of the Sanjoli Mosque in Himachal Pradesh's Shimla, the Waqf Board has now stepped in and taken control of the entire mosque. The board also admitted that the floors of the mosque were built illegally. Political face-off, in fact, has now erupted in this particular matter, with a sitting state minister calling the mosque illegal. Meanwhile, Himachal Pradesh's Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has distanced himself from this particular matter and said that he respects all religions. Himachal Pradesh's leader of opposition and former Chief Minister Jairam Thakur has slammed the Congress's government and demanded that the mosque should be removed if it is illegal. Today, the case is going to be heard in the Municipal Corporation Court. The protesters, remember, have given the government a deadline until today to make a decision on the matter as well. अभी क्या माहौल है और क्या अभी जो है इस पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सौहार्दपूर्ण माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। विरोध प्रदर्शन ऐसे समय होते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी समुदाय को हिमाचल के जो लोग हैं वो तंग नहीं करते हैं। ये ठीक है कि कुछ गुस्सा लोगों में आ जाता है, लेकिन प्रदेश में बिल्कुल शांति है और इस देश के नागरिकों को जो भी जहां रहता है उन सबको अपनी किसी भी प्रदेश में रहने का अधिकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की वारदातें होने की बात सामने आई है, ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए। हमने जो वहाँ के लोक राजनीतिज्ञ किया उनको भी हमने इस बारे में समझाया है। जयराम ठाकुर कह रहे गंभीर नहीं है मुख्यमंत्री, और आपने जो स्टेटमेंट दी थी काफ़ी पहले कि हिंदू विचारधारा को आपने हराया, उससे बल मिला है। अब जयराम ठाकुर जी क्या कहेंगे उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, और निश्चित तौर पर सभी समुदाय के लोग जो है वो इस देश के जो यहाँ नागरिक हैं उन सबका सम्मान है। जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर के कोई राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़ करके भाग ले रहा है ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहाँ पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है उस भवन को हटाया जाए। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज़ को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता कि ये भी आवश्यक है। मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि विधानसभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए, यानी एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है, अब तो पूरे देश में इसकी जरूरत पड़ गई है।